हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आंगनवाड़ी केंद्र कोलापुरा आर में सूखा पोषाहार का किया वितरण। निम्बत समीपवर्ती रायपुर ग्राम के कोलापुरा आर आंगनवाड़ी केंद्र पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता गोमती देवी, एएनएम डिंपल विशोई, वार्ड पंच पुख देवी सहायिका, उग्म देवी की उपस्थिति में गर्भवती धानेत्री किशोरी 7 माह से 6 वर्ष के बालक बालिकाओं को सूखा राशन, गेहूं व दाल वितरण किया। कोलापुरा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता गोमती देवी ने बताया कि सूखा राशन वितरण में कोविड-19 के नियमों को ध्यान में रखते हुए दूरी बनाकर व मास्क लगाकर राशन वितरण किया गया। वहीं देश भर में फैल रही वैश्विक महामारी कोरोना वायरस से बचाव के उपाय की जानकारी देते हुए आपस में 2 फीट की दूरी बनाए रखने, रोजाना हाथों को बार बार सैनिटाइजर से साफ रखने और हाथों को साबुन से अच्छे से धोने व साफ रखने और हमेशा मुंह पर मास्क रखने की अपील की। वहीं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता गोमती देवी ने बताया कि गर्भवती धानेत्री किशोरी व 7 माह से लेकर 6 वर्ष के बच्चों को सूखा राशन, गेहूं व दाल का वितरण किया गया है। इस दौरान कोलापुरा आर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता गोमती देवी, एएनएम डिंपल विशोई, वार्ड पंच पुख देवी सहायिका, उग्म देवी अर्जुन राम भेल सहित बच्चे व महिला उपस्थित रही। जागरूक टीवी के लिए निम्बत से मुकेश प्रजापत की रिपोर्ट।